फ्रेंड्स, प्रेज द लॉर्ड। दी अदर 167 पे मैं परवीन आपका एक बार फिर स्वागत करती हूँ। क्रूज के हम सफर में हम एक ऐसे किरदार से मिलेंगे जिसे खूनी, लुटेरा और उपद्रवी कहा गया, पर कैसे वो यीशु की डेस्टिनी से और एक बिब्लिकल मिस्ट्री से जुड़ा। यीशु का आखिरी मुकदमा गवर्नर पेंतुस पिलातुस के सामने था। पिलातुस जान गया था कि यीशु को ढांचे पकड़वाया गया है, इसलिए वो उसे बरी करने की आखिरी कोशिश करने लगा। मरकुस 15 अध्याय उसकी 6 और 7 आयत पढ़ेंगे, और वह यानी गवर्नर उस पर्व में किसी एक बंधुए या कैदी को छोड़ दिया करता था, और बरअब्बा नाम का एक मनुष्य उन बलवइयों के साथ कैदी था, बंधुआ था, जिन्होंने बलवे में हत्या की थी। जी हाँ, आज हम बरअब्बा से मिलेंगे, लेकिन क्यों? माना जाता है कि बरअब्बा एक विद्रोही संगठन का हिस्सा था जो रोमी सरकार को यहूदा में पसंद नहीं करते थे, इसलिए वो विद्रोह करते थे, उन पर हमले करते थे। ऐसे ही एक हमले में कुछ रोमी सैनिक मारे गए, पर बरअब्बा और उसके साथी भी पकड़े गए, और इसलिए उन पर क्रूस की सजा सुनाई जा चुकी थी। पर्व के इस मौके पर एक कैदी को रिहा करने की रस्म के जरिए से पिलातुस यीशु को रिहा करना चाहता था, पर क्या वो ऐसा कर पाया? और जब बरअब्बा और यीशु सामने थे, आमने सामने थे, तो भीड़ ने किसको चुना? इसके लिए पढ़ेंगे मरकुस 15 अध्याय उसकी 11 और 13 वर्स। तब महायाजकों ने लोगों को उभारा कि बरअब्बा ही को उनके लिए छोड़ दे, और जब पिलातुस ने पूछा कि यीशु का क्या करें, तो वो और भी जोर से चिल्लाए कि उसे क्रूस पर चढ़ा दे, उसे क्रूस पर चढ़ा दे। तब पिलातुस ने भीड़ को खुश करने के लिए बरअब्बा को उनके लिए छोड़ दिया और यीशु को कोड़े लगवाकर सौंप दिया कि क्रूस पर चढ़ाया जाए। कैसी विडंबना है, पर सच तो ये है कि अपराधी बरअब्बा को जीवनदान मिलना, उसको आजादी मिलना और उसकी जगह निर्दोष यीशु को क्रूस की सजा मिलना, इसके पीछे एक बिब्लिकल मिस्ट्री है। इस मिस्ट्री को जानने के लिए हमें पढ़ना होगा लेवी व्यवस्था उसका 16 अध्याय। यहाँ डे ऑफ अटोनमेंट और उससे जुड़ी एक रस्म का जिक्र है। ये रस्म इसराइली जाति के लोग उनके पापों के छुटकारे के लिए हर साल किया करते थे। इस रस्म के में उन्हें 2 बकरे लेने पड़ते थे, जिन पे प्रार्थना करके इसराइली जाति के पाप उन पे लाद दिए जाते थे। उनमें से 1 बकरे को वीराने में ले जाकर आजाद कर दिया जाता था और दूसरे बकरे को कुर्बान किया जाता था। यहाँ बरअब्बा की आजादी और यीशु की कुर्बानी उस छुटकारे का प्रतीक है। जहाँ यीशु ने कुर्बानी ना केवल बरअब्बा की आजादी के लिए बल्कि पूरी मनुष्य जाति के पापों से छुटकारे के लिए दी। बरअब्बा में हम अपनी छवि देखते हैं। आज बरअब्बा हम हैं। यीशु ने अपनी निष्कलंक कुर्बानी देके हमें मुक्ति दिलाई, आजादी दिलाई, ताकि हम अनंत जीवन के और उसके राज्य के उत्तराधिकारी वारिस हो सकें। कुलसियों की पत्री उसके पहले अध्याय उसकी 20 से 22 वर्ष में सेंट पॉल ने हमें इसको समझाया है। मैं केवल 22 वर्ष पढ़ूंगी। किंतु मसीह ने अपने मरणशील शरीर की मृत्यु के द्वारा ईश्वर से आपका मेल करवाया, जिससे वे आपको पवित्र, निर्दोष और निष्कलंक बनाकर ईश्वर के सामने प्रस्तुत कर सके। ऐसे हमारे पापों को से छुटकारा दिलाने का इंतजाम परमेश्वर ने यीशु के द्वारा किया। तेरे दर्शन पाने की है लगन, तेरे दर्शन पाने को तरसे मन, मेरे लिए मेरी सजा सहने वाले हे नाथ यीशु प्रियतम मेरे। मुझे उम्मीद है कि आज का संदेश आप जरूर शेयर करना चाहेंगे अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ, इसलिए लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए। आमीन। प्रेज द लॉर्ड।